नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। खारिज हुई निर्भया केस के दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन, गिने चुने मामलों में ही दायर होती है यह पिटीशन। न्याय प्रक्रिया के उल्लंघन की जांच करना है मकसद। वनों में व्यापार की योजना को सरकार की मंजूरी, योजना का नाम है ग्रीन क्रेडिट स्कीम। गैर सरकारी एजेंसीज को वनारोपण के लिए प्रेरित करेगी यह योजना। सरकार ने लॉन्च किया मिशन पूर्वोदय, स्टील क्षेत्र के तीव्र विकास की है योजना। एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया पर किया गया फोकस। भारत की ऊर्जा नीतियों पर IEA की पहली समीक्षा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में सौभाग्य और उजाला जैसी योजनाओं की सराहना। रिकॉर्ड समय में बिजली सप्लाई करने में भारत रहा सफल। और जारी हुआ स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, कोई भी राज्य फ्रंट रनर की श्रेणी में नहीं बना पाया जगह। हरियाणा, कर्नाटक और केरल अचीवर की कैटेगरी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस के दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इन दोषियों के संबंध में मृत्यु दंड के फैसले को बरकरार रखा है। अब इन दोषियों के पास मृत्यु दंड की माफी के लिए अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने का ही विकल्प बचा था, लिहाजा इनमें से एक दोषी ने दया याचिका दायर की है। आपको बता दें कि क्यूरेटिव पिटीशन एक विशेष याचिका है जिसे पुनर्विचार याचिका के खारिज होने के बाद ही दायर किया जा सकता है। किसी भी क्यूरेटिव पिटीशन के संबंध में न्यायालय कुछ सिद्धांतों का पालन करता है, जिन्हें 2002 के रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया था। क्यूरेटिव पिटीशन का मकसद इस बात को सुनिश्चित करना होता है कि किसी स्तर पर न्याय की प्रक्रिया का उल्लंघन तो नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक क्यूरेटिव पिटीशन कुछ गिने चुने मामलों में केवल दो आधारों पर ही दायर की जा सकती है। पहला, यदि याचिकाकर्ता को ऐसा लगता है कि फैसले में अदालत में उसकी उचित रूप से सुनवाई नहीं हुई है, और दूसरा, अगर न्यायाधीश ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए एक तरफा फैसला सुनाया है। क्यूरेटिव पिटीशन को सबसे पहले 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की पीठ और फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों के सामने रखा जाता है। यदि यह बेंच बहुमत से क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करने का फैसला लेती है तो याचिका पर आगे सुनवाई की जाती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा मूल अधिकारों और कहीं भी बिना रोक टोक के घूमने की आजादी पर लगाए गए प्रतिबंधित नियमों पर पुनर्विचार के लिए कहा है। अपने इस फैसले में कोर्ट ने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इंटरनेट के जरिए अभिव्यक्ति और व्यापार की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार माना है। हालांकि इंटरनेट तक सबकी पहुंच मौलिक अधिकार है या नहीं, इस पर अभी इसने कोई मत नहीं दिया। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि संघ शासित प्रदेश में इंटरनेट सर्विस पर प्रतिबंध तुरंत हटाया जाए, साथ ही सरकारी वेबसाइट्स, ई बैंकिंग की सुविधा, हॉस्पिटल सुविधा और अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी बहाली की जाए। बता दें कि कश्मीर घाटी में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के हटाने के बाद से टेलीकॉम और इंटरनेट से संबंधित सेवाएं रोकी गई हैं। इन प्रतिबंधों को लगाने के लिए सरकार ने CRPC की धारा 144 से प्राप्त शक्तियों और टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विसेज रूल्स 2017 का प्रयोग किया। कोर्ट का मानना है कि सरकार द्वारा धारा 144 का प्रयोग शक्ति का दुरुपयोग है। कोर्ट ने रूल्स 2017 में निहित कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विधि निर्माण की बात भी कही। इसमें न तो टेम्पररी शब्द को परिभाषित किया गया है और न ही किसी समय सीमा का जिक्र है। अभी हाल के अपने एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कल्याणकारी राज्य में संपत्ति का अधिकार एक मानवीय अधिकार है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 52 साल पहले जमीन कब्जे के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुनाया गया। निर्णय में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि राज्य विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं कर सकता और न ही राज्य उसे एडवर्स पोजिशन बताकर उस पर अपना मालिकाना हक जता सकता है। बता दें कि किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे की संपत्ति पर कम से कम 12 साल तक किए गए कब्जे को एडवर्स पोजिशन कहा जाता है। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के बाद इसे संविधान के अनुच्छेद 300(a) में रखा गया। अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। राज्य लोकहित एवं विकास हेतु किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ले तो सकती है, लेकिन जमीन का अधिग्रहण करते समय वाजिब मुआवजा देने का प्रावधान है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में अपील की गई है कि ईसाई धर्म के दलितों या अनुसूचित जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।
यानी इस याचिका में आरक्षण को धार्मिक रूप से तटस्थ करने की बात की जा रही है। यह याचिका नेशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिश्चियंस ने दायर की थी। याचिका में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 का जिक्र करते हुए कहा गया है कि यह आदेश ईसाई दलितों को आरक्षण का लाभ लेने से रोकता है, उन्हें आरक्षण से वंचित रखना समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। दरअसल राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 341 से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर 1950 में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश जारी किए थे। इसमें यह प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म का अनुसरण करता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। बाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसमें सिख, जबकि 1990 के संशोधन अधिनियम द्वारा बौद्ध शब्द को जोड़ा गया। आसान शब्दों में कहें तो वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी और धर्म का अनुसरण करता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2018 जारी कर दी है। इससे पहले 2017 की रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में 2 साल की देरी से जारी की गई थी। हालिया रिपोर्ट की माने तो 2017 के मुकाबले 2018 में अपराधों में लगभग 1.3% की बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बात करें तो इनकी संख्या में लगभग 5% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इसके बाद महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। वहीं प्रति 1 लाख महिलाओं पर अपराधों में भी वृद्धि देखी गई है और यह आंकड़ा 2017 में 57.9% के मुकाबले 2018 में 58.8% हो गया है। प्रति 1 लाख महिलाओं पर अपराध के सबसे ज्यादा मामले असम में दर्ज किए गए, जबकि दिल्ली दूसरे स्थान पर है। दुष्कर्म से जुड़े लगभग 85.3% मामलों में चार्जशीट दायर हुई, लेकिन मात्र 27% के आसपास मामलों में ही सजा सुनाई जा सकी है। रिपोर्ट की माने तो 2017 के मुकाबले 2018 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर संज्ञेय अपराधों की अपराध दर में मामूली कमी आई है। एनसीआरबी ने एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट भी जारी की। 2018 में आत्महत्या के जितने मामले दर्ज किए गए उनमें सबसे ज्यादा आत्महत्या के मामले दिहाड़ी मजदूरों के रहे। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछली बार के मुकाबले कृषि से जुड़े लोगों द्वारा आत्महत्या के मामलों में 2.9% की गिरावट दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कृषक आत्महत्या का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया, मसलन पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड, मेघालय, गोवा और अन्य। एनसीएसके यानी नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज ने सफाई कर्मचारियों के संबंध में कुछ आंकड़े जारी किए हैं। इसके अलावा मैनुअल स्कैवेंजर्स पर गठित केंद्रीय निगरानी समिति ने भी संबंधित कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। आंकड़ों के मुताबिक 1993 से दिसंबर 2019 के बीच देश में लगभग 926 कर्मियों की सीवर के अंदर मौत हुई है। इस दौरान तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मौतें हुई। वहीं इन मौतों की वजह से प्रभावित हुए ज्यादातर परिवारों को मुआवजा मुहैया कराया गया है, लेकिन फिर भी गुजरात इस मामले में सबसे ऊपर है जहां ऐसे परिवारों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी ऐसे मामलों की संख्या कुछ कम नहीं है। 2013 और 2018 के सर्वे के मुताबिक देश में 53,000 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई जो किसी न किसी तरह से मैनुअल स्कैवेंजिंग में लगे हुए थे। अकेले उत्तर प्रदेश में 30,000 के आसपास ऐसे कर्मचारियों की पहचान हुई है। एनसीएस के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक गैर सांविधिक निकाय है। इसका गठन नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एक्ट 1993 के तहत एक सांविधिक निकाय के तौर पर किया गया था। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 वर्तमान में पूरे देश में लागू है। यह अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों यानी मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध करता है। बीते दिनों नई दिल्ली में IDA यानी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 6वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। बैठक में द्वीपीय क्षेत्रों के समग्र विकास की दिशा में किए गए प्रयासों की समीक्षा की गई। ऐसा पहली बार हुआ कि देश के कुछ चुनिंदा द्वीपों के सतत विकास के लिए पहल की गई हो। इन द्वीपों के विकास के लिए योजना प्रस्तावित की गई है। इन योजनाओं का मुख्य मकसद यहाँ के पर्यटन उद्योग, सी फूड और नारियल से बने उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है ताकि स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार पैदा किए जा सके। इन योजनाओं को अंडमान और निकोबार के 4 जबकि लक्षद्वीप के 5 द्वीपों में लागू किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार के 12 और लक्षद्वीप के 5 द्वीपों को भी योजना में कवर किया जाएगा।
आईडीए का गठन नीति आयोग द्वारा जून 2017 में किया गया था। यह एजेंसी द्वीपों के समग्र विकास के संबंध में शीर्ष निकाय है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने डेटा आधारित जांच पड़ताल के लिए संशोधित नियम जारी किए हैं। ये संशोधन भारत के डेटा संबंधी कानून को वैश्विक मानक के अनुरूप बनाने के लिए किए गए हैं। अब विदेशों में रखे सर्वर से किसी के भी ईमेल से संबंधित डेटा की जानकारी के लिए जांच एजेंसियों को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि इसका प्रयोग अपराध में किया गया है। फेसबुक, याहू, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल जैसी सारी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों का सर्वर भारत से बाहर ही है। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा आपराधिक मामलों को सिद्ध करने में काफी सहायक होते हैं। ये शीघ्र ही हटाए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें जांच के प्रयोजन से सुरक्षित रखने की जरूरत बढ़ जाती है। गौरतलब है कि G8 के 24/7 नेटवर्क का प्रयोग आपराधिक मामलों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता रहा है। इस नेटवर्क के जरिए जांच एजेंसी सेवा प्रदाता या CBI को याचिका भेज सकती है। मंत्रालय के अनुसार आपराधिक मामलों से संबंधित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा को एक निश्चित समयावधि के लिए ही लिया जाएगा और कानूनी दायरे के अंतर्गत ही इसका प्रयोग किया जाएगा। उपयोग के बाद डेटा को मिटा दिया जाएगा या वापस लौटा दिया जाएगा। G8 का 24/7 नेटवर्क डेटा संरक्षण का काम करता है। इसके सदस्य देश किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा के लिए इसी नेटवर्क के जरिए याचिका भेजते हैं। यह अपराध से संबंधित डेटा को सुरक्षित रखने के लिए नियम भी बनाता है। बीते दिनों फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने वनों में व्यापार से जुड़ी योजना को मंजूरी दी। इस योजना को ग्रीन क्रेडिट स्कीम नाम दिया गया है। यह योजना वनों के वस्तु के तौर पर व्यापार करने को मंजूरी देती है। इसके तहत गैर सरकारी एजेंसीज, मसलन निजी कंपनियों या विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटीज को किसी चयनित भू क्षेत्र में पौधारोपण की मंजूरी दी गई है। 3 साल बाद अगर ये वन विभाग के मापदंडों पर खरे उतरते हैं तो इन वनों को क्षतिपूरक वन भूमि माना जा सकता है। इसके बाद अगर किसी उद्योग को वन भूमि की जरूरत होती है तो वह गैर सरकारी एजेंसी को उस वन भूमि के लिए भुगतान कर सकता है। हालांकि इसे बाद में वन भूमि के रूप में रिकॉर्ड करने के लिए वन विभाग के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब ऐसी कोई योजना लाई जा रही है। इससे पहले 2015 में PPP मॉडल पर डिग्रेडेड लैंड के लिए भी ऐसी ही योजना लाई गई थी, लेकिन उस योजना को सरकार ने अंतिम मंजूरी नहीं दी थी। इस तरह की योजना पारंपरिक वन क्षेत्र के बाहर भी वनारोपण करने के लिए प्रेरित करेगी। आपको बताते चलें कि किसी वन क्षेत्र के गैर वनीय उपयोग पर मंजूरी देने के लिए सरकार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत एक समिति गठित कर सकती है। बाद में इस कमेटी को वन संरक्षण नियम 2003 के तहत फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का नाम दिया गया। हाल ही में गोवा के महादेई वाइल्डलाइफ सेंचुरी में 4 बाघों की मौत के बाद राज्य में टाइगर रिजर्व की मांग तेज हो गई है। गोवा सरकार टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए 2017 में ही राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को प्रस्ताव भेज चुकी है। सरकार ने महादेई, नेत्रावली और कोटिगाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र और महावीर नेशनल पार्क के कुछ हिस्से को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। आइए समझते हैं कि कोई क्षेत्र कैसे टाइगर रिजर्व के तौर पर अधिसूचित किया जाता है। सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकार को बाघ संरक्षण योजना बनानी होती है। राज्य सरकार इस योजना को राज्य वन्य जीव बोर्ड के जरिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को भेजती है। इसके बाद यह प्रस्ताव NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को सौंपा जाता है। आखिर में NTCA की सिफारिश पर राज्य सरकार किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के तौर पर अधिसूचित करती है। एक बार टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद उसकी सीमाओं में बदलाव केवल NTCA की सिफारिश और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की मंजूरी के बाद ही किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी टाइगर रिजर्व से यह दर्जा हटाना हो तो ऐसा केवल सार्वजनिक हित में NTCA और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की मंजूरी के बाद ही किया जा सकता है। वर्तमान में गोवा में 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बोंडला, चुराव आइलैंड, कोटिगाओ, महादेई, मोलेम और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और एकमात्र नेशनल पार्क भगवान महावीर नेशनल पार्क है। हाल ही में मिशन पूर्वोदय लॉन्च किया गया। मिशन का उद्देश्य स्टील क्षेत्र के तीव्र विकास के जरिए पूर्वी भारत का उत्थान करना है। इसे एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया थ्रू इंटीग्रेटेड स्टील हब इन कोलकाता नाम दिया गया है। इस मिशन के तहत ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए एक स्टील हब स्थापित किया जाएगा। यह स्टील हब लागत और गुणवत्ता दोनों ही मामलों में स्टील उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा
और क्षमता में वृद्धि करेगा। बता दें कि देश के आर्थिक ढांचे में पूर्वी भारत का काफी अहम योगदान है। इन 5 राज्यों में देश की 80% लोहे की खाने, 100% कोकिंग कोयला और बड़े स्तर पर क्रोमाइट, बॉक्साइट और डोलोमाइट पाए जाते हैं। वहीं राष्ट्रीय इस्पात नीति पर गौर करें तो पूर्वी भारत में इस्पात के क्षेत्र में 75% बढ़ोतरी की क्षमता है। इसके अलावा देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में भी इन राज्यों की काफी अहम भूमिका हो सकती है। लिहाजा पूर्वोदय मिशन पूर्वी भारत में इंडस्ट्री 4.0 के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। इस मिशन के 3 हिस्से होंगे, ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट्स के जरिए क्षमता में वृद्धि, एकीकृत इस्पात संयंत्रों के पास स्टील क्लस्टर्स का विकास करना और लॉजिस्टिक्स और अवसंरचना में सुधार करना। आरबीआई ने भारत को 2024 तक वित्तीय रूप से समावेशित करने की महत्वाकांक्षी रणनीति तैयार की है। आरबीआई ने 2019 से 2024 की नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की घोषणा करने के दौरान इस बाबत जिक्र किया। इसने लक्ष्य रखा है कि Tier 2 से Tier 6 शहरों में आवश्यक डिजिटल वित्तीय सेवाओं से संबंधित अवसंरचना का विकास किया जाएगा ताकि 2022 तक इंडियन इकोनॉमी को लेस कैश इकोनॉमी बनाई जा सके। बता दें कि वित्तीय समावेशन आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके लिए मार्च 2020 तक प्रत्येक गांव के 5 किलोमीटर के रेडियस में बैंकिंग संस्था की उपलब्धि सुनिश्चित करना आरबीआई के उद्देश्यों में से एक है। इसके अलावा आरबीआई का लक्ष्य है कि मार्च 2024 तक मोबाइल के जरिए सभी वयस्कों की वित्तीय सेवा प्रोवाइडर्स तक पहुंच हो सके। सबको आधारभूत वित्तीय सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े सभी इच्छुक और पात्र वयस्क को मार्च 2020 तक बीमा योजना और पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। इसके इतर आरबीआई का मार्च 2022 तक पीसीआर यानी पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री को पूरी तरह ऑपरेशनल करने का प्लान भी है। कैबिनेट ने कोयला खनन में एफडीआई से संबंधित 2 नियमों में बदलाव के लिए मिनरल लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 पर अपनी सहमति दे दी है। सरकार का मानना है कि यह बदलाव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा। इस अध्यादेश के द्वारा माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 और कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2015 में संशोधन किया गया है। प्रमुख बदलाव के तहत एंड यूजर रेस्ट्रिक्शन के नियम को हटा दिया गया है। बता दें कि कोयला खनन में 100% एफडीआई की अनुमति अगस्त 2019 में ही दे दी गई थी, लेकिन एंड यूजर रेस्ट्रिक्शन के वजह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द लगभग 200 कोल ब्लॉक्स में से केवल 29 की ही नीलामी हो पाई थी। अब कोल ब्लॉक की नीलामी में कोई भी हिस्सा ले सकता है। इस बदलाव से उन कोल ब्लॉक्स की नीलामी में फायदा होगा जिनका अनुबंध 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रहा है। विशेषज्ञों की माने तो संभवतः यह भारत के ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से दक्षता लाने में उपयोगी साबित हो सकता है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों के साथ भूमिगत खनन की उन्नत तकनीक भी साथ में आएगी जिससे कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि एंड यूजर रेस्ट्रिक्शन के तहत इस्पात, बिजली और कोल वॉशिंग से जुड़ी कंपनियों के अलावा अन्य किसी क्षेत्र की कंपनियां नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकती थी। सरकार ने 2023-24 तक कोयले के उत्पादन को 1 बिलियन टन तक करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भारत की ऊर्जा नीतियों की समीक्षा पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में भारत की ऊर्जा नीतियों की उपलब्धियों की सराहना की गई है। इसके साथ ही IEA ने कुछ सिफारिशें भी की हैं जो ऊर्जा बाजार और अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के भारत सरकार के लक्ष्यों को समर्थन देती है। IEA ने समीक्षा में अक्षय ऊर्जा की नीलामी, निजी क्षेत्र के लिए कोयला खनन में प्रवेश और तेल एवं गैस बाजार में विदेशी निवेशकों की पहुंच को प्रोत्साहन देने के फैसलों की सराहना की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने रिकॉर्ड समय में अपने नागरिकों की बिजली, वहनीय एवं दक्ष प्रकाश व्यवस्था और क्लीन कुकिंग तक पहुंच सुनिश्चित की है। इस लक्ष्य को पाने में IEA ने समीक्षा में सौभाग्य उजाला और उज्ज्वला जैसी योजनाओं के अहम योगदान का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में हुई तीव्र वृद्धि की भी खासी प्रशंसा की गई है। गौरतलब है कि देश में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता में 23% योगदान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का है। आपको बता दें कि IEA ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क के तहत एक स्वायत्त और अंतर सरकारी संगठन है। भारत IEA का एसोसिएट सदस्य है। IEA ऊर्जा दक्षता संबंधी आंकड़ों, विश्लेषण और नीति अनुशंसा के लिए वैश्विक निकाय है। यह संगठन सभी के सुरक्षित और सतत ऊर्जा भविष्य के लिए
अपने सदस्यों और उद्योगों के साथ मिलकर काम करता है। यह संगठन वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस जैसी रिपोर्ट भी जारी करता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। I4C देश में साइबर अपराधों से लड़ने के लिए नोडल एजेंसी होगी। इसके अलावा गृह मंत्री ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी राष्ट्र को समर्पित किया। I4C को अक्टूबर 2018 में सरकार ने मंजूरी दी थी। इस केंद्र का उद्देश्य बेहतर तालमेल और समग्र रूप से सभी तरह के साइबर अपराधों से निपटना है। I4C के 7 हिस्से होंगे जिसमें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की सबसे अहम भूमिका होगी। यह एक नागरिक केंद्रित पहल है जो पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को साइबर अपराध की रिपोर्ट करने की सुविधा देती है। इस पोर्टल पर सभी तरह के साइबर अपराधों, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल यौन दुर्व्यवहार संबंधी सामग्री और बलात्कार आदि से जुड़ी ऑनलाइन सामग्री के मामले में शिकायत की जा सकेगी। इस पोर्टल पर कुछ विशिष्ट अपराधों, मसलन वित्तीय अपराध एवं स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग जैसे सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों पर भी खासा ध्यान दिया जाएगा। यह पोर्टल राज्यों और जिलों की कानून प्रवर्तन एजेंसीज और पुलिस स्टेशन के बीच समन्वय को मजबूत करेगा। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने देश में H9N2 वायरस के पहले मामले का पता लगाया है। यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही सब टाइप है और इससे बर्ड फ्लू के साथ साथ ह्यूमन इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। यह वायरस इंसानों में इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा डिसऑर्डर और इन्फ्लेमेटरी डैमेज का कारण बन सकता है। बता दें कि 1966 में US के विस्कॉन्सिन में टर्की फ्लोक्स पक्षी से H9N2 का पहली बार पता लगाया गया था। अमेरिकी वैज्ञानिकों की माने तो H9N2 पक्षियों में वैश्विक स्तर पर पाया जाता है और कुछ क्षेत्रों में मुर्गियों के लिए यह एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है। WHO के मुताबिक इस प्रकार के एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस मुर्गियों में तेजी से फैल रहे हैं और इनके संपर्क में आने से किसी इंसान के संक्रमित होने की संभावनाएं भी काफी बढ़ जाती हैं। यह इंसानों में बहुत ही कम पाया जाता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसके मामूली लक्षणों के कारण कई मामलों का पता न लगाया जा सका हो। H9N2 से संक्रमित किसी इंसान का मामला पहली बार 1998 में हांगकांग में पाया गया था, जबकि चीन में 2015 के बाद से इस वायरस के 28 मामले सामने आए। भारत की बात करें तो महाराष्ट्र के मेलघाट जिले में कोरकू जनजाति के एक गांव में फरवरी 2019 में पहला मामला पाया गया था। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अनुसार भारत के मुर्गी फार्मों में इस वायरस का कई बार पता लगाया गया है। हैरानी वाली बात यह है कि मुर्गियों के संपर्क में न आने के बावजूद भी हाल ही में एक बच्चे के संक्रमित होने का मामला सामने आया है। बीते दिनों ऊर्जा मंत्रालय ने स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 जारी किया। यह इंडेक्स ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के साथ मिलकर विकसित किया है। 2019 का इंडेक्स 97 अहम संकेतकों पर राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में किए गए कार्यों की प्रगति को ट्रैक करता है। इस बार के इंडेक्स में एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017 का अनुपालन और MSME में ऊर्जा दक्षता जैसे नए संकेतकों को भी जोड़ा गया है। इंडेक्स में राज्यों को फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर और एस्पिरेंट की कैटेगरी में बांटा गया है। इस बार के इंडेक्स में कोई भी राज्य फ्रंट रनर की कैटेगरी में जगह नहीं बना पाया। हालांकि हरियाणा, कर्नाटक और केरल अचीवर की कैटेगरी में जगह पाने में सफल रहे। बता दें कि इस तरह का पहला इंडेक्स 2018 में स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नाम से जारी किया गया था। 2019 के इंडेक्स में 5 विभिन्न क्षेत्रों, इमारतें, उद्योग, नगरपालिकाएं, परिवहन और कृषि एवं डिस्कॉम्स में ऊर्जा दक्ष पहलों के आकलन के लिए गुणात्मक, परिमाणात्मक और परिणाम आधारित संकेतक शामिल हैं। इन 5 क्षेत्रों में बिजली, कोयला, तेल और गैस आदि की आपूर्ति के लिए किए गए प्रयासों के आधार पर राज्यों को 4 समूहों में रखा गया है। इसे TPES यानी टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई भी कहा जा सकता है। TPES के आधार पर हरियाणा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पुदुचेरी और चंडीगढ़ को प्रगतिशील राज्य माना गया है। इस साल राज्यों से प्राप्त प्रतिक्रिया के विश्लेषण पर राज्यों को 3 सूत्रीय कार्यक्रम का सुझाव दिया गया। इसके तहत नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका, डेटा कैप्चर मैनेजमेंट और डेटा की सार्वजनिक उपलब्धता के लिए व्यवस्था को मजबूत करना और ऊर्जा दक्ष योजनाओं की क्रेडिबिलिटी में सुधार शामिल किया गया है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सक्षम अभियान लॉन्च किया। यह एक वार्षिक और महीने भर चलने वाला नागरिक केंद्रित ईंधन संरक्षण अभियान है। इसे पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी PCRA के अधीन शुरू किया गया है। महीने भर चलने वाले इस अभियान में लोगों से संवाद करने के लिए PCRA कई कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। इसके अलावा देश भर में सक्षम साइकिल डे, साइक्लोथॉन, वर्कशॉप्स और सेमिनार के जरिए लोगों तक ईंधन संरक्षण उपायों को अपनाने का संदेश पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। वहीं ईंधन संरक्षण, हरित पर्यावरण और बेहतर स्वास्थ्य के लिए रेडियो, टीवी और सिनेमा के जरिए राष्ट्रव्यापी अभियान भी चलाया जाएगा। PCRA पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इस संगठन का दृष्टिकोण हाइड्रोकार्बन के संरक्षण और सतत विकास के लिए खुद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित करना है। PCRA का मुख्य मकसद पर्यावरणीय संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने संबंधी नीति निर्माण करना है। हाल ही में लेवल्स एंड ट्रेड्स इन चाइल्ड मोर्टलिटी रिपोर्ट 2019 जारी की गई। यूनिसेफ के यूएन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टलिटी एस्टिमेशन ने यह रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट की माने तो भारत उन चंद देशों में शामिल है जहां 2018 में 5 साल तक की बालिका शिशु की मृत्यु दर बालक शिशु की मृत्यु दर से ज्यादा रही। दक्षिण और पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों में 5 साल से कम उम्र की बच्चियों की मौत की दर वैश्विक आंकड़ों से अधिक रही है। भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो और इथियोपिया में 2018 के दौरान 5 साल तक के बच्चों की मौत का 50% आंकड़ा दर्ज किया गया है। वहीं अकेले भारत और नाइजीरिया में कुल मौतों की 1/3 मौत हुई है। भारत में 5 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चों की मौत हुई है उनमें ज्यादातर मामले नवजात अवधि के पाए गए। रिपोर्ट में समय से पूर्व होने वाले जन्म, प्रसव उपचार संबंधी लापरवाही और नवजात संक्रमण को उच्च नवजात मृत्यु दर का मुख्य कारण बताया गया है, जबकि नवजात अवधि के बाद सबसे ज्यादा मौतें डायरिया और निमोनिया के कारण होती हैं। भारत के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2017 की बात करें तो मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर सबसे ज्यादा नवजातों की मौत हुई है। वहीं झारखंड, बिहार और उत्तराखंड में इस उम्र के बालक शिशु के मुकाबले बालिका शिशु की अधिक मृत्यु हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiis.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। बता दें कि विदेशों में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने के मकसद से हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। 10 जनवरी को ही 2006 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। विदेश मंत्रालय और विदेशों में भारतीय दूतावास हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। बीते 14 से 16 जनवरी के बीच नई दिल्ली में 5वीं रायसीना वार्ता बैठक आयोजित की गई। इस बार की थीम नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी रखी गई है। बता दें कि रायसीना वार्ता ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की जाती है। हर साल आयोजित होने वाली यह प्रतिष्ठित वार्ता भू राजनीतिक और भू आर्थिक मामलों पर भारत का बहुपक्षीय सम्मेलन है। गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने साबरमती रिवर फ्रंट पर 31वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया। मकर संक्रांति के उपलक्ष में अहमदाबाद 1989 से ही अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे उत्तर भारत में लोहड़ी, मध्य भारत में सक्रांत, असम में भोगली बिहू और तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है। बीते दिनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के जोखिम परिदृश्य में पर्यावरण से संबंधित खतरों की अधिकता रही। तीव्र जलवायु परिवर्तन अन्य सभी समस्याओं पर हावी रहा। रिपोर्ट के पास संभावित जोखिमों में इस बार सभी मुद्दे पर्यावरण से जुड़े रहे। गौरतलब है कि आर्थिक जोखिम इस बार टॉप 10 में शामिल नहीं है। लखनऊ के इंदिरा प्रतिष्ठान में 12 से 16 जनवरी के बीच 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती भी मनाई जाती है। 23वें महोत्सव की थीम
फिट यूथ फिट इंडिया रखी गई है। सरकार इस महोत्सव का आयोजन 1995 से कर रही है। इसका मकसद देश के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। 15 जनवरी को देश में 72वां सेना दिवस मनाया गया। सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा द्वारा 1949 में भारत के कमांडर इन चीफ का पदभार संभालने के अवसर पर मनाया जाता है। करियप्पा ने अंग्रेज जनरल सर फ्रांसिस बुचर का स्थान लिया था। इस साल इस सेना दिवस परेड के मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुख और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत मौजूद रहे। इस बार खास बात यह रही कि सेना दिवस परेड की अगुवाई महिला सैन्य अधिकारी कैप्टन तानिया शेरगिल ने की। वे ऐसा करने वाली देश की पहली सैन्य महिला अधिकारी हैं। बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने प्रोजेक्ट विश्वास और साइबर आश्वस्त प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। विश्वास यानी वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस्ड सिक्योरिटी देश में अपनी तरह की पहली बड़ी ई गवर्नेंस पहल है। इसका मकसद कानून व्यवस्था में सुधार, ट्रैफिक नियंत्रण और अपराध के वीडियो विश्लेषण में सुधार लाना है। वहीं साइबर आश्वस्त प्रोजेक्ट गुजरात पुलिस द्वारा साइबर क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लाया गया है। यह साइबर अपराध पीड़ितों के लिए एक हेल्पलाइन है। चीनी शोधकर्ताओं ने अभी एक नए वायरस की पहचान की है, जिसे कोरोना वायरस की श्रेणी में रखा गया है। कोरोना वायरस की संरचना पर ध्यान दें तो इसकी सतह पर बहुत सारे नियमित आकार के उभार होते हैं, जिसकी वजह से ये देखने में क्राउन की तरह लगता है, इसलिए इसे कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। बता दें कि चीन में मिले इस नए कोरोना वायरस ने चीन के वुहान प्रांत में निमोनिया जैसी बीमारी को विस्तार दिया है। मनुष्यों के अलावा ये वायरस दूसरे स्तनधारियों और पक्षियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस साल लास वेगास में हुए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में सैमसंग की स्टार लैब्स का पहला प्रोजेक्ट नियॉन्स काफी चर्चा में रहा। बता दें कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक प्रणव मिस्त्री स्टार लैब्स के प्रमुख हैं। कंपनी ने बताया है कि नियॉन्स कंप्यूटर से बनाए गए वर्चुअल ह्यूमंस हैं। इनका उपयोग बैंकों, रेस्टोरेंट, समाचार वाचन, सरीखे कार्यों में अनअर्थली आर्ट्स में किया जा सकेगा। 9 से 10 जनवरी के बीच काजीरंगा नेशनल पार्क में वेटलैंड बर्ड्स की दूसरी गिनती संपन्न हुई। इस गणना में 96 प्रजातियों के वेटलैंड बर्ड्स पाए गए हैं। गौरतलब है कि इसकी पहली गणना 2018 में कराई गई थी। आपको बता दें कि काजीरंगा खास तौर पर चार जानवरों वन हॉर्न राइनो, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बफेलो के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले प्राइमेट्स की 14 प्रजातियों में से 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह एक टाइगर रिजर्व भी है और 1985 से ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। शोधकर्ताओं ने अभी हाल ही में एक पुराने पदार्थ की खोज की है। यह पृथ्वी पर खोजे गए अभी तक के पदार्थों में सबसे पुराना है। ऑस्ट्रेलिया में 1969 में गिरे एक उल्का पिंड से यह मिला है। बताया जा रहा है कि ये छोटे धूल कण करीब 7 बिलियन वर्ष पुराने हैं, यानी यह सोलर सिस्टम के बनने से भी 2.5 बिलियन वर्ष पुराना हुआ। इसलिए इन कणों से धरती और सोलर सिस्टम के अन्य पिंडों के निर्माण के बारे में सूचना मिल सकेगी। साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट द्वारा जारी एक रिपोर्ट में चीनी पैडल फिश को विलुप्त घोषित किया गया है। पैडल फिश ताजे पानी की बड़ी मछलियों में से एक थी, जिसकी लंबाई 7 मीटर तक देखी गई थी। चीनी पैडल फिश 200 मिलियन वर्ष से धरती पर थी। एक्सपर्ट्स की माने तो 1970 के बाद से ओवरफिशिंग और आवास विखंडन के कारण इनकी संख्या में तेजी से गिरावट शुरू हुई और संभवतः 2005 से 2010 के बीच ये विलुप्त हो चुकी थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150वें वार्षिक समारोह में हिस्सा लिया। पीएम ने इस मौके पर पोर्ट एंथम भी लॉन्च किया। बता दें कि कोलकाता पोर्ट का नाम अब बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। गौरतलब है कि जलमार्गों के द्वारा कोलकाता पोर्ट पूर्वी औद्योगिक केंद्रों से जुड़ता जा रहा है। इससे पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ व्यापार सुगम हुआ है। हाल ही में कोलकाता में 2 भारतीय तटरक्षक जहाजों को कमीशन किया गया। इनमें से एक का नाम थियोसोफिस्ट, समाज सेवी और भारतीय स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती एनी बेसेंट के नाम पर रखा गया है, जबकि दूसरा अमृत कौर के नाम पर रखा गया है।
बता दें कि राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला के राजघराने से संबंधित थी। इन्होंने नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था और आजाद भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री भी बनी। अभी हाल ही में फिलीपींस की राजधानी मनीला के पास लूजन नामक द्वीप पर ताल नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह एक मिश्रित ज्वालामुखी है। गौरतलब है कि फिलीपींस आर्किपेलागो का निर्माण फिलीपींस सागर प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कन्वर्जेंस से हुआ है। रिंग ऑफ फायर में अवस्थित होने के कारण ये द्वीप भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में खनन क्षेत्रों में रिग्रेसिंग को अनिवार्य कर दिया है। रिग्रेसिंग की जिम्मेदारी माइनिंग लीज होल्डर्स की होगी। साथ ही साथ सरकार को यह आदेश भी दिया गया है कि माइनिंग लीज और पर्यावरण क्लियरेंस देते वक्त इसे आवश्यक शर्त के तौर पर रखा जाए। इससे खराब हुए भूभाग की जैव विविधता को सही करने का दूसरा मौका मिल सकेगा। बता दें कि खनन की वजह से अपवर्धन और गड्ढों की समस्या के साथ साथ मृदा, भूजल और सतही जल में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। हाल ही में ओडिशा के मलकानगिरी जिले में जैविक हल्दी की कृषि को नकदी फसल के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आदिवासियों को अवैध गांजे या मैरिजुआना की खेती से मुक्त किया जा सके। आपको बता दें कि जैविक कृषि का मतलब कृषि की ऐसी प्रणाली से है जिसमें रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग ना कर उसके स्थान पर जैविक खाद या प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है। बीते दिनों रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन संकल्प से जुड़ी जानकारी दी। बता दें कि ऑपरेशन संकल्प को 19 जून 2019 से शुरू किया गया है। इसका मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले भारत के व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए भारतीय नौसेना के जंगी जहाज और विमान को इस क्षेत्र के पास तैनात किया गया है ताकि आकस्मिक संकट का तुरंत जवाब दिया जा सके। बता दें कि यह ऑपरेशन रक्षा, विदेश, पोत परिवहन और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आपसी सामंजस्य से किया जा रहा है। डेटा एंड एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबल डेटा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हालिया दिनों में 3,756 जहाजों में स्क्रबर लगाया जा चुका है। ये स्क्रबर प्रदूषित वायु से सल्फर ऑक्साइड को हटाते हैं। इसके दो तरीके हैं, ओपन लूप जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलकर समुद्र में ही डाल दिया जाता है, जबकि दूसरे क्लोज लूप में इन्हें पोर्ट्स पर सुरक्षित रूप से डिस्पोज किया जाता है। बता दें कि IMO यानी इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ही जहाजों से होने वाले वायु प्रदूषण तथा ओजोन क्षयकारी पदार्थों जैसे सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रस के ऑक्साइड्स की मात्रा को नियमित करता है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।